नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बेस्ट डिजिटल बोर्ड के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? इंडिया का सबसे बढ़िया डिजिटल बोर्ड के बारे में। सबसे बढ़िया किस चीज पर करेंगे? सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस पे करेंगे। उसको एक्सपीरियंस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया कर सकते हैं उसका। हम लोग क्या क्वालिटी पे बढ़िया कर सकते हैं उसको? हम लोग सर्विस पे बढ़िया कर सकते हैं। बेस्ट डिजिटल बोर्ड क्या है? इसका सर्विस अच्छा हो, टीचर्स को जो भी चीजें चाहिए पढ़ाने के लिए वो सारा चीज क्या है, उपलब्ध हो। यहाँ पे पार्टीशन है, जो भी चीजें चाहिए वो टीचर्स को क्या है, उपलब्ध हो। इसी को हम लोग कर सकते हैं इंडिया का सबसे बेस्ट डिजिटल बोर्ड। सारा चीज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कौन सा ऐसा डिजिटल बोर्ड है जो सबसे बेस्ट है और आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। यदि आपका मतलब ये है, सपना है 2024 में मेरे यहां भी एक डिजिटल बोर्ड हो, तो कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कहां से डिजिटल बोर्ड मिलता है और कितना रुपया में मिलता है, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि टीचर्स को सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर देते हैं। डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए जो भी चीजों का आवश्यकता होता है वो सारा चीज हम लोग देते हैं। साथ ही साथ टीचर्स को हम लोग ऐप बनाकर देते हैं, वेबसाइट बनाकर देते हैं और जो भी चाहिए वो हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज बेस्ट तब बनता है, जैसे स्टूडेंट है तब टॉपर बनता है जब वो मेहनत करता है। तो अभी के समय में डिजिटल बोर्ड लोग जो ले रहे हैं, जो भी टीचर्स है वो कह रहे हैं, सर मेरा एक साल का मेहनत है, उस पैसे से हम डिजिटल बोर्ड को खरीद रहे हैं। कोई कहता है सर लोन लेके हम डिजिटल बोर्ड को खरीद रहे हैं। कोई कहता है सर ज्वेलर्स वगैरह को, जितना भी जेवर जावा था, मतलब जितना भी सोना चांदी वगैरह था, उसको जो है हम लोग क्या कि उस पर लोन लेके या उसको हम लोग लगा के पैसे को। कोई कहता है सर हम लोग जो है कोई चीज़ को बेच के खरीद रहे हैं। मतलब डिजिटल बोर्ड का बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है मार्केट में अभी, जो हमको भी डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट टीचर्स को कहता है सर डिजिटल बोर्ड लाइए, सर डिजिटल बोर्ड लाइए। तो अभी के समय में डिजिटल बोर्ड खरीदना टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग काम हो चुका है, क्योंकि कई सारे ऐसे वेंडर आ चुके हैं, कई सारे ऐसे बेचने वाले आ चुके हैं, ठीक है, उसके पता नहीं है, वो 6 मंथ से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और डिजिटल बोर्ड बेच के बहुत कम रुपया में दे रहे हैं टीचर्स को, जिससे सारा टीचर्स वहां पहुंचते हैं और वहां उसको दिक्कत होता है, सर्विस सही से नहीं मिल पाता है। आपको सही जगह से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। अभी देखिए, इंडिया का डिजिटल बोर्ड बेस्ट हम उसको बोल सकते हैं जिसका कि टीचर्स का जो भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला हम लोग किस पे, फीचर्स पे बेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी फीचर्स होना चाहिए फीचर्स पे। मतलब मान के लिए कोई डिजिटल बोर्ड लिए, हमको पढ़ाना है, अभी मान के लिए हमको यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो ये डिजिटल बोर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से इसको सर्कल पे यहाँ खेलेंगे क्लिक। अब देखिए, हमको सर्कल बनाना है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। हमको राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, हमको राइट एंगल ट्रेंगल बनाना, हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल आराम से बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये जो है साइड क्या है, ये ए है आपका और ये बी है, ये सी है, ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। मतलब टीचर्स को जो भी चाहिए, माइंड मैप से हमको पढ़ाना है। मान चलिए एक चीज़ है जिसका नाम ए है, ठीक है, एक चीज़ है ए है, उसका ही क्या है प्रकार बी है, ठीक है, टाइप्स जो लिखना चाहते हैं, यदि उसी का प्रकार क्या है सी है, तो इस टाइप से माइंड मैप से पढ़ा सकते हैं। मान चलिए हम लोग को स्टिकी नोट्स बनाना है या इंग्लिश लिखना है, तो अच्छे तरीके से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को भी लिख सकते हैं। मतलब सारा फीचर्स जो आपके डिजिटल मोड में रहना चाहिए। अब हमको रूलर ये रहना है, मान चलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेन रखना है हम लोग को और 10 सेंटीमीटर तक हम लोग को लेके जाना है। अब आए, ये क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का क्या हो गया, ठीक है, एक राइट, ये क्या हो गया आपका, एक स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से आप सारा चीज को क्या कर सकते हैं, इसके मदद से, डिजिटल बोर्ड की मदद से कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ाना है वो कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको इसमें दिया जा रहा है। तो अभी के समय में क्या लेना चाहिए टीचर्स को, नहीं लेना चाहिए, तो यही चीज़ क्या हो गया आपका सारा चीज़, ये आप जितना भी देख रहे हैं ये, अब जैसे हमको डिलीट करना है तो एक बार अच्छे तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डिलीट पे दे देंगे, सारा आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस स्टेप से है, तो हम लोग को क्या करना है, फीचर्स पे जाना है, क्या हम जो डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, जो मेरा नीड है, जो हमको आवश्यकता है, वो पूरा हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप डिजिटल बोर्ड को लीजिए। यहाँ पे देखिए, बैकग्राउंड को अब चेंज करना है, हमको बनाना है ग्रीन बोर्ड बनाना है, ठीक है, तो हमको ग्रीन बोर्ड यहाँ बना लिए। अब हमारा क्या हो गया, बोर्ड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हमको बनाना है व्हाइट बोर्ड, तो हम क्या कर दिए, व्हाइट बोर्ड बना दिए। हमको बनाना है मान के लिए रेड बोर्ड, तो रेड बोर्ड बना दिए। ब्लैक बोर्ड बनाना है तो हम लोग ब्लैक कर दिए। तो जो भी बनाना है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट पे हम लोग गए, तो कितना सारा आपको इंग्लिश लिखना है तो ये टेम्पलेट हम लोग चूज कर लेंगे। हम लोग को यदि मान के लिए बच्चे को टेबल पढ़ाना है तो हम लोग ये कर लेंगे, अच्छे तरीके से बच्चे को क्या कर सकते हैं, टेबल पढ़ा सकते हैं। तो सारा टेम्पलेट, सारा सब कुछ इसमें जो है दिया गया है, तो इसी को बोलते हैं
है फीचर्स। तो सबसे पहले बेस्ट कहने का मतलब आपका फीचर्स क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। दूसरा, सर्विस बेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अभी के समय में क्या बोले आपको, सबसे पहले अभी भी बोले, कई सारे वेंडर्स बेचने वाले आ चुके हैं, ठीक है, और वो टिकते नहीं है। कई सारे डिजिटल बोर्ड कंपनी ठप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, क्योंकि वो जो है एक साल बेच के और उसको निकलना होता है। इसलिए ऐसा जगह से आप लोग लीजिए जहाँ की सब कुछ बेस्ट सर्विस मिले। तो सबसे पहला ये जो चीज़ इसमें है उसी को हम लोग बेस्ट बोलते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं पहला पॉइंट पे। पहला पॉइंट है, यदि हम लोग डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं बेस्ट, तो हम लोग को बेस्ट वेंडर ढूंढना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वेंडर किसको बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड को बेचता है। जैसे हम लोग डिजिटल बोर्ड को सेल करते हैं, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड का क्या हो गए, वेंडर हो गए। तो सबसे पहले क्या है, आपको बेस्ट वेंडर को चूज करना है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, कौन सा वेंडर बेस्ट होगा, आपके मन में जरूर सवाल आएगा। तो इसमें है, आप उस वेंडर को बेस्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले आप फीडबैक देखिए, क्या देखिए, फीडबैक देखिए। दूसरा, आप वेंडर का रिव्यू देखिए, क्या देखिए, जो भी क्लाइंट का ये पहले लगाए हैं उससे रिव्यू लीजिए। फिर वेंडर का जिससे भी आप ले रहे हैं, हम इसे ले रहे हैं, आप मेरा ऑफिस विजिट कीजिए, पूछिए कितना दिन से काम कर रहा है, कितना ईयर का एक्सपीरियंस है, ये जानिए। ये सब चीज़ जानने के बाद उस वेंडर से आप क्या कीजिए, डिजिटल बोर्ड खरीदिए। आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक वर्ड सुने होंगे ROI, ये क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सही जगह पर यदि पैसा को लगाइएगा, तब आपका वो पैसा रिटर्न्स बन के अच्छा खासा होगा। यदि 1.5 लाख लगाते हैं तो 1.5 लाख ही 1.5 करोड़ बनता है, और 1.5 लाख भी 1.5 लाख, 1.5 लाख भी 15,000 बनता है या 1500 बन जाएगा आपका, यदि सही जगह पर नहीं लगाइए। और सही जगह लगाइएगा तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका सही आएगा। तो किसको वेंडर अच्छा चूज करना है, किस कैसे चूज करें सर, उसका फीडबैक देखिए, उसका रिव्यू देखिए, उसका ऑफिस विजिट कीजिए, उसको पूछिए कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है, सारा चीज। अब देखिए, वेंडर के बाद कंपनी। मार्केट में अभी सब लोग अपना कंपनी बना रहा है, कोई कहता हम ये कंपनी है, कोई कहता हम इस कंपनी से, कोई कहता इस कंपनी से। तो जो कंपनी मार्केट में कम से कम 2-3 साल से चलता आ रहा है, उस कंपनी पे विश्वास कीजिए, उस कंपनी से आप लोग लीजिए। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे बात आता है, मार्केट में अभी 100 से ज़्यादा कंपनी है, ठीक है, लेकिन 4 से 5 कंपनी ऐसा है जो बेटर सर्विस दे रहा है, बेटर कंपनी है। तो कौन 4 से 5 बेटर है, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, तो हमारा टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। सब कहते हैं सर यहाँ क्यों नहीं बता देते हैं आप, देखिए हमेशा बदलते रहता है यह वीडियो, 1 साल बाद भी लोग देखेंगे और यहाँ हम बता देंगे, ठीक है, और उस कंपनी के बारे में वो सुना हुआ होगा और खरीद लेगा, तो दिक्कत किसको होगा, तो हमको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि वो कंपनी उस समय बेस्ट सर्विस नहीं दे रहा, जो 2 साल पहले आपको लिखित दे रहे हैं, जो 2 साल पहले बढ़िया था, 1 नंबर में था, वो अभी 5वां नंबर में नहीं है, 6वां नंबर में भी नहीं है, तो कैसे हम दे दें आपको। इसलिए 4 से 5 कंपनी बेस्ट है, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो समझ गए, 2 से 3 इयर्स जिसका कम से कम मार्केट में है बना हुआ, उससे लीजिए। 100 कंपनी मार्केट में, 4-5 कंपनी बेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या है, आप हमें कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 9973725719 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या आ गया, कंपनी आ गया। अब देखिए कौन सा साइज का ले, सबसे पहले आपका आएगा कौन सा साइज का ले। अब देखिए मार्केट में क्या है साइज, तो साइज की यदि बात की जाए तो पहला नंबर में आपका आ जाता है 55 इंच, क्या है 55 इंच, फिर आ जाता है आपका 65 इंच, फिर क्या आता है 65 इंच, फिर आपका आ जाता है 75 इंच, क्या आ जाता है आपका 75 इंच, और फिर आपका आ जाता है 86 इंच। तो ये मेनली 4 साइज का चल रहा है। यदि आप कोई डॉक्टर वगैरह हैं, सलाहकार है, इस डिजिटल बोर्ड को 55 इंच का डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं, या आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी रन कर रहे हैं और आपको क्या है डेली मीटिंग वगैरह करना है, तो आप क्या कर सकते हैं 55 इंच का डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं। या आप प्ले स्कूल खोले हुए हैं, क्या है, या आप प्ले स्कूल वगैरह चला रहे हैं, तो आप ये डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं। 65 इंच का आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास ऑफलाइन में लगभग 40 से 50 बच्चा है, मैक्सिमम 70 तक बच्चा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, आप MCQ क्वेश्चन वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, आप GK पढ़ाना चाहते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं। 75 इंच उसके लिए है, ये स्कूल के लिए भी है 65 इंच, ये भी आपका स्कूल के लिए भी है, कॉलेज वगैरह में लगाना है इसके लिए भी है, साथ ही साथ आप यदि मैथ वगैरह भी पढ़ाते हैं उसके लिए भी है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के लिए है। ये है आपका ऑफलाइन में यदि 300 से अधिक बच्चा है तो आपको 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कितना 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। साथ ही साथ अब देखिए 86 इंच का यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो आप ले लिए,
आपको फिर क्या करना है, यदि मान चलिए आप मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, लेंदी प्रोसेस है आपका या सेमिनार हॉल वगैरह में, तो 86 इंच का लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें एक जो है ओवरव्यू है, ये चीज़ें का आपका जिसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको देख सकते हैं, या नहीं समझते हैं तो आप हमें कॉल भी कीजिएगा, तुम्हारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा। अब है प्राइस, तो प्राइस दो फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइस क्या है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला रहता है कंपनी, दूसरा रहता है साइज। अब देखिए मेनली 55 इंच का जो है प्राइस की यदि बात की जाए, ये आपका 80,000 रुपया से लगभग शुरू है, कितना 80,000 से। फिर आपका 65 इंच का है, ये प्राइस 65 इंच का जो है लगभग प्राइस इसका आपका 1,00,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है 75 इंच का, 75 इंच का जो है ये लगभग आपका 1,35,000 रुपया, 1,40,000 रुपया से आपका स्टार्ट हो जाता है, 1,35,000 से। फिर आपका आता है 86 इंच का, ये लगभग 86 इंच का जो है 2,10,000 तक में ये स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक ओवरव्यू है, बेस्ट करने का मतलब जहाँ सर्विस आपको बेस्ट मिले, क्वालिटी बेस्ट हो, फीचर बेस्ट हो। अब जो फीचर्स का जरूरत है वो है ही नहीं, पहले समझिए देखिए तब जाके फिर डिजिटल बोर्ड कर लीजिए। आप 1,00,000-1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही जगह कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।